देखो लेटरल शिफ्ट क्या चीज है, लेटरल शिफ्ट है कि अगर सपोज आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में लाइट एंटर करती है, ये री एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाती है आई, ये नॉर्मल है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये रहा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आर है, ये आई है और ये आर है। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो एंगल ऑफ ई आई और आई एक ही बात है, एंगल ऑफ एमरजेंस और इंसिडेंस एक ही बात है। अगर लाइट की रिफ्रैक्शन ना होती, अगर ना होती तो लाइट कैसे जाती, सीधी पास हो जाती, बात ही खत्म, ऐसे चली जाती। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट और इस एक्चुअल डिस्टेंस में दूरी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो जब तक स्लैब में लाइट पास हो रही है तो ये दूरी बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर दूरी कितनी है डी, उसके बाद तो लाइट बाहर ही निकल गई, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो ग्लास स्लैब में कितना शिफ्ट आया लेटरल साइड वाइज कि लाइट जाना, लाइट को जाना ऐसे था, रिफ्रैक्शन से गई ऐसे, तो मैक्सिमम दूरी परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है हमें, डी कितना है, कुछ नहीं करना, ये सबसे आसान है डायग्राम के हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है ये, इसमें कुछ नहीं करना, आपको डी निकालना है। आप ये एक ट्राइंगल लो, लेकिन ट्राइंगल से पहले एक बात को समझ लो, वो क्या कि अगर ये आई है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी आई हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है यहां तक, तो आप ट्राइंगल देखो क्या लेंगे, पहला ट्राइंगल आप ये लें, ये पहला ट्राइंगल है, इस पहले ट्राइंगल में साइन ऑफ आई माइनस आर किसके इक्वल है, डी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, साइन ऑफ आई माइनस आर इज डी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, क्लियर है यहां तक। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, ओ क्यू इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, अगर मैं ओ क्यू बता दूं आंसर आ जाएगा। अब ओ क्यू निकालने के लिए थिकनेस ऑफ स्लैब आपको क्वेश्चन में टी गिवन होगी, अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लें, इस ट्राइंगल में कॉस आर लगाएं, कॉस आर क्या होगा टी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, टी बाई ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या आ गया टी बाई कॉस आर, इस ओ क्यू की वैल्यू को यहां पुट करते हैं टी बाई कॉस आर, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो लिख लें लेटरल शिफ्ट, टी का मतलब थिकनेस है और आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन है, ये फॉर्मूला भी नोट कर लें।